दोस्तों टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद हर्षल पटेल हुए मालामाल, साथ ही में ऋषभ पंत और केएल राहुल पर हुई पैसों की बरसात। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीत हासिल कर ली। जी हाँ दोस्तों, शानदार जीत के बाद हर्षल पटेल भी मालामाल हो चुके हैं। हर्षल पटेल को कितने पैसे मिले हैं, साथ ही में ऋषभ पंत और केएल राहुल को भी कितने पैसे मिले हैं, पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया के जीत को लेकर खुश हो और हर्षल पटेल को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही। हालांकि सलामी बल्लेबाज डेरियल मिचेल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं पर मार्टिन गप्टिल ने भी 31 रनों की अहम पारी खेली। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन, तो वहीं पर टीम सेफर्ट ने 13 रन जोड़े और इस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर के पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफी ज्यादा शानदार है। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रनों की अहम पारी खेली, तो वहीं पर केएल राहुल ने 65 रनों की धुआंधार बल्लेबाजी की, तो वहीं पर अंत में वेंकटेश ने 12 रन, तो वहीं पर ऋषभ पंत ने भी 12 रन बनाए और इस तरह से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर इस सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद हर्षल पटेल सहित कौन कौन से खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई है, किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है, कितने पैसे मिले हैं, तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अवार्ड नंबर 1 की। दोस्तों यहाँ पर मार्टिन गप्टिल को अवार्ड दिया गया है, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है ह्यूंडाई बेस्ट सेव ऑफ द मैच का अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, इस अवार्ड की रकम की यानी कि पैसों की बात करें तो तकरीबन यह 1,00,000 रुपए का अवार्ड भी है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 2 के अवार्ड की। दोस्तों यहाँ पर मिला है केएल राहुल को। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल को ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, जिसकी रकम भी 1,00,000 रुपए है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अवार्ड नंबर 3 की। तो दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत को ACC कमाल का मोमेंट अवार्ड दिया गया है, जिसकी रकम भी 1,00,000 रुपए है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अवार्ड नंबर 4 की। तो दोस्तों यहां पर हर्षल पटेल को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, जिसकी रकम तकरीबन दोस्तों 2,00,000 रुपए है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर हर्षल पटेल को 2,00,000 मिले हैं और बाकी के खिलाड़ियों को 1,00,000 का अवार्ड मिला है। ऐसे में दोस्तों इन खिलाड़ियों पर लाखों की बरसात हुई है। दोस्तों इसी में टीम इंडिया की इस बेहतरीन जीत पर और हर्षल पटेल को लेकर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।